subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सफलता और सफलता के पीछे के कारण, इनके बारे में कौन जानना नहीं चाहता। हर कोई दुनिया के सफलतम लोगों से पूछना चाहता है कि वे कैसे सफल हुए, क्या कारण थे कि वे आज दुनिया के शीर्ष पदों पर खड़े हैं। और इनके जवाब भी अपने को मिलते हैं, जैसे हार्डवर्क, पैशन, लर्न फ्रॉम फेलियर एट्सेट्रा। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस में कुछ अलग ही ढंग से सफलताओं की कहानियाँ बताई हैं। सफलता क्यों मिलती है और योग्यता के अलावा कौन से फैक्टर्स इनमें अपना रोल निभाते हैं, इसे कुछ नए अंदाज में मैल्कम ग्लैडवेल ने इस किताब में लिखा है। और आज मैं आपको इस किताब की पूरी समरी दिखाने वाला हूं, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर यह किताब क्या कहना चाहती है। पहले बात करते हैं आउटलायर का मतलब क्या होता है। लेखक कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो किसी मुख्य या संबंध समूह से दूर स्थित होती हैं या अलग तरीके से वर्गीकृत होती हैं। सरल भाषा में कहे तो जो चीज़ लीक से हटकर हो वह आउटलायर होती हैं। आप फोटो में इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगर हम सफल लोगों की बात करें तो उनमें कई आउटलायर होते हैं, जिन्होंने कुछ अलग किया है, कुछ बड़ा किया है। और जब बात आती है उनकी सफलता की, तो हम कहते हैं कि बंदे में एबिलिटी थी और सक्सेस हो गया। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल इसके पीछे कई और कारण भी ढूंढते हैं। एबिलिटी तो थी ही, लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो लेखक के अनुसार सफलता में उतना ही योगदान देते हैं जितना कि उस बंदे की योग्यता ने दिया है। और इन फैक्टर्स को लेखक ने दो पार्ट्स में बांटा है, एक है अवसर और दूसरा है विरासत, जिनमें उस आउटलायर का ज़्यादा योगदान नहीं होता। दोस्तों, अब मैं आपको किताब का उदाहरण देता हूँ। किताब में कनाडा की आइस हॉकी टीम की चर्चा की गई है और बताया गया है कि इसके खिलाड़ियों में से ज़्यादातर का जन्मदिन जनवरी से मार्च के बीच का ही है। और जैसे जैसे महीनों की संख्या आगे बढ़ती जाती है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वैसे वैसे खिलाड़ियों की संख्या घटती जाती है। अब लेखक बात करता है कि क्या कारण है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जिनका जन्म हुआ उन खिलाड़ियों की संख्या ही ज़्यादा क्यों। लेखक यहाँ अवसर की बात करता है कि जनवरी से मार्च वाले खिलाड़ियों को ज़्यादा टाइम मिला परिपक्व होने का, और वे ज़्यादा परिपक्व हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, ए नाम का एक लड़का है, उसकी बर्थ डेट 25 दिसंबर 1999 है, और बी नाम का लड़का है जिसकी बर्थ डेट 5 जनवरी 2000 है। अब कनाडा जैसे देशों में टीम के चयन के लिए उम्र निश्चित होती है, और तय डेट को वह उतनी ही उम्र पार कर चुका होना चाहिए, और डेट होती है 1 जनवरी। अब मान लो टीम के चयन के लिए 7 वर्ष की उम्र तय है। अब 1 जनवरी 2007 को जिन लड़कों की उम्र 7 वर्ष की होगी, उसे ही टीम में लिया जाएगा। अब 1999 वाला लड़का 25 दिसंबर 2006 को 7 वर्ष का हो जाएगा, उसको 1 जनवरी 2007 को चयन कर लिया जाएगा, क्योंकि उसने 7 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जो 5 जनवरी 2000 वाला लड़का है, उसको 1 जनवरी 2007 को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र 7 वर्ष पूरी नहीं हुई है, उसमें अभी भी 4-5 दिन बाकी हैं। अब उसका चयन 1 जनवरी को नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम उसकी उम्र 7 वर्ष कम्प्लीट नहीं हुई है। अब उसको पूरा साल मिल रहा है 1 जनवरी 2008 तक का, जब उसकी उम्र 7 वर्ष मानी जाएगी। अब टीम चयन की डेट तो 1 जनवरी ही फिक्स है, जो कि साल में एक बार आती है। अब इस एग्जांपल से अपन ये समझ सकते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जन्म लेने वाले लड़कों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जबकि 25 दिसंबर वाले लड़के को 7 साल पूरे होने के 6 दिन के अंदर ही चयनित किया गया। अब जनवरी वाले बच्चे अगला साल आने तक ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, जिसका उनको खेल में फ़ायदा पहुँचता है। तो इस तरह लेखक बता रहे हैं कि कैसे अवसर सफलता में अनजाने ही सही लेकिन अपना पूरा रोल निभा रहे हैं। अब इन दो लड़कों की उम्र में सिर्फ 11 दिन का ही फर्क है, लेकिन 5 जनवरी वाले बच्चे को लगभग 12 महीने मिल रहे हैं ज़्यादा परिपक्व होने के, ज़्यादा मैच्योर होने के। और जब वो बड़ा होकर टीम में आएगा, तब उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, और इस कारण उसका प्रदर्शन भी बढ़िया होगा, जिस कारण उसका आगे चयन होगा। दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं। यह है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई टर्मैन का उदाहरण, जिन्होंने एक बार सर्वे करके 1470 स्टूडेंट का चयन किया, जिनका आईक्यू 140 से 200 तक का था। और इन लड़कों के, यानी कि इन जो भी लड़के लड़कियों का चयन हुआ, इनकी पूरी लाइफ की इन्होंने स्टडी की कि वे आगे जाकर क्या करते हैं। हालांकि आईक्यू सबका ऊपर था, लेकिन सब बड़े काम नहीं कर पाए। कई उनमें से क्लर्क बने, कई उनमें से छोटी पोस्ट पर अटक कर रह गए, और सिर्फ कुछ ही सफल हुए जिनकी उस प्रोफेसर लुई टर्मैन को उम्मीद थी।
तो दोस्तों इनकी सफलता व असफलता में उनको मिली अपॉर्चुनिटीज ने रोल निभाया है। इस तरह ग्लैडवेल अवसरों की बात करते हैं कि कैसे सफलता में उनका रोल होता है। अब दोस्तों आप इन दो उदाहरणों से समझ गए होंगे कि किस तरह अनजाने ही सही लेकिन अवसर एक बहुत ही मुख्य टॉप फैक्टर साबित होते हैं सफलता के अंदर। सफलता मिलती है उनमें, उनकी योग्यता तो होती है आउटलायर्स की, लेकिन साथ में अवसर भी अपना रोल निभाते हैं। एक दूसरी स्पेशल चीज जिसकी लेखक इस किताब में बात करते हैं वो है द रूल ऑफ 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे का नियम। यह बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। यहाँ पर लेखक कहता है कि यदि कोई भी आदमी जो 10,000 घंटे तक एक चीज़ पर मेहनत करता है वह उसमें महारत हासिल कर सकता है। बस मिलना चाहिए तो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस का अवसर। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर भी अवसर की बात हो रही है। यह लेखक 3 उदाहरण देते हैं जो अपने अपने फील्ड में शीर्ष पर हैं, बीटल्स, बिल जॉय और बिल गेट्स। इन तीनों को जो ये काम करते थे वे काम करने के उनको 10,000 घंटे का अवसर मिला, 10,000 घंटे की प्रैक्टिस का अवसर मिला, फिर चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर बीटल्स। अब दोस्तों जैसे कि बिल गेट्स का नाम लें तो बिल गेट्स को कंप्यूटर प्रैक्टिस के 10,000 घंटों की प्रैक्टिस का अवसर नहीं मिला होता तो वे आज माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर पाते। और इसमें अवसरों का उनको फ़ायदा मिला, जैसे कि शुरुआत में 7 वर्ष की उम्र में जब उनका स्कूल में चयन हुआ, स्कूल में जब उनको दाखिला दिया गया तब लेक साइड की एक जानी मानी स्कूल में उनको दाखिला दिया गया था क्योंकि इनके माता पिता समृद्ध थे और उनको दुनिया के कुछ ही कंप्यूटर्स में से एक को चलाने का मौका मिला। अब लेक साइड की जो वो समृद्ध स्कूल थी उसमें कंप्यूटर उपलब्ध था जो कि अमेरिका के सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध होता था। अब उस समय उनको कंप्यूटर पर प्रैक्टिस का अवसर मिला। इसके बाद जब 15 साल की उम्र में उन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर कंप्यूटर चलाया तब वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी थी वो उनके घर के बिल्कुल नज़दीक थी और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में दिन को अवसर नहीं मिलता था कंप्यूटर चलाने का तो वो रात को जाकर चलाते थे, लेकिन प्रैक्टिस करके उनके 10,000 घंटे थे वो जैसे तैसे पूरे हो गए। अब बिल गेट्स को पता नहीं था कि वो 10,000 घंटे पूरे कर रहा है, लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल ये बताते हैं कि कैसे बिल गेट्स को भी अवसर मिले और उन अवसरों के कारण उनको 10,000 घंटे प्रैक्टिस का अवसर मिला जिसके कारण वो अपने काम में महारत हासिल कर सके और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की। अब हालांकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करने में उनकी योग्यता ने सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया है, लेकिन उनको मिले अवसरों ने भी उतना ही हिस्सा निभाया है, उतना ही काम किया है। दूसरी चीज आती है विरासत की। विरासत जो अपने पूर्वजों से हासिल की है, जैसे कि हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे रंग रूप, आकार, बोली, स्वभाव, सब विरासत से इन्फ्लुएंस रहता है। तो लेखक बात करते हैं कि विरासत में भी सफलता का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। विरासत की बात करते समय लेखक उदाहरण देते हैं हार्लन नामक एक छोटे कस्बे का, जहां हमेशा गुटों के बीच संघर्ष चलते रहते हैं, गुटीय संघर्ष होते हैं। जब रिसर्च करने वालों ने इस बात की स्टडी करने की कोशिश की कि वे अन्य लोगों से ज़्यादा हिंसक क्यों हैं, वायलेंट क्यों हैं, तो इसका उत्तर आया सम्मान की संस्कृति, जिसका मतलब होता है कुछ लोग ज़्यादा ही आत्मसम्मानी होते हैं और उनके ऊपर की गई छोटी सी आलोचना का भी वे ज़्यादा सीरियसली लेकर उस पर हिंसा करने से पीछे नहीं हटते। फिर लेखक लिखता है कि आखिर ये सम्मान की संस्कृति इन जो एक स्पेशल कस्बे के अंदर वाले जो लोगों में है वो आसपास के लोगों में क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर मिला कि उनके पूर्वजों से यह उनको विरासत में मिली है, जो कि सम्मान की संस्कृति में ज़्यादा बिलीव रखते थे और ऐसी जगहों में रहते थे जहाँ का भूगोल उन्हें यह रखने को मजबूर कर देता था। फॉर एग्जाम्पल लेखक कहता है कि खेती करने वाले लोगों की बजाय पशु चराने वाले जो लोग हैं उनमें हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि खेतों में फसल चुराकर अपन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एक दूसरे के पशु चुराकर उनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब जब वो पशु चराते थे तब एक की भेड़ दूसरे के बाड़े में चली गई तो उस भेड़ को दी गई गाली भी हिंसा की वजह बन सकती थी। तो यह होता है विरासत का असर। एक और उदाहरण लेखक देते हैं कि एशियाई लोग गणित में ज़्यादा होशियार क्यों होते हैं। अब यहाँ चावल के खेतों को गणित के प्रश्न हल करने की क्षमता से रिलेट किया गया है। चावल के खेतों में हार्डवर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और चावल की फसल के लिए साल में हर व्यक्ति को 3,000 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर लेखक बात करता है कि जो लोग चावल की खेती करते हैं वे काम वो सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं और उस काम में ज़्यादा टिक कर एक जगह मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो धान या कहें चावल की खेती होती है वह सिर्फ मेहनत पर डिपेंड करती है। तो इस कारण वहाँ के लोगों को विरासत में यह चीज़ मिली है,
यानी कि मेहनत करना। अब गणित में प्रश्न को सोल्व करने में मेहनत लगती है और उस तरह की पेचीदा मेहनत करने में एशियाई लोग सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, जहाँ चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है। अब लेखक का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि बाकी जगह वाले गणित में कमज़ोर हैं, लेकिन एशियाई लोगों को अपनी विरासत का फ़ायदा भी मिला है। फ़ायदा इसलिए मिला है कि एक जगह टिक कर मेहनत करने की जो एबिलिटी है, वो धान की खेती करने वाले जो उनके पूर्वज थे उनको विरासत में अभी के लोगों को मिली है, और इस कारण वे गणित के प्रश्न सोल्व करने में ज़्यादा होशियार माने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देके इस पूरी किताब का मतलब समझाना चाहूँगा। दोस्तों, दो लड़के हैं, अरुण और वरुण, दोनों ही आईएएस बनना चाहते हैं। अरुण के पिता डॉक्टर हैं और माता प्रशासनिक सेवाओं में हैं, जबकि वरुण सामान्य परिवार से संबंध रखता है, जिसके पिता छोटा बड़ा व्यापार करते हैं और माता हाउसवाइफ हैं। अब ये दोनों मेहनत बराबर करते हैं, लेकिन अरुण के लिए आईएएस बनना ज़्यादा आसान है वरुण के बजाय। उसके पास बढ़िया परिस्थितियां हैं, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, परिवार समृद्ध हैं, इसके कारण उसको बढ़िया कोचिंग क्लासेज जाने का अवसर मिलेगा, उसे बढ़िया माहौल मिल रहा है, परिवार की कोई टेंशन नहीं है, गाइडेंस मिल रही है, ज़्यादा समय मिल रहा है और बेहतर सुविधाएँ मिल रही हैं। अरुण और वरुण दोनों ही आईएएस बन सकेंगे, लेकिन अरुण को मिले अवसर उसके लिए यह काम और आसान कर देते हैं। यही बात ग्लैडवेल हमारे को इस किताब में समझाना चाहते हैं। अब दोस्तों, अरुण को 9th क्लास से ही आईएएस बनने की गाइडेंस मिलने लगी। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसका बेटा आईएएस बने, लेकिन वरुण को 12वीं के बाद ही यह पता चला कि कैसे इसकी प्रोसीडिंग रहेगी। तो दोस्तों, अरुण के लिए काम आसान हो गया, क्योंकि उसको अवसर बढ़िया मिले, उसकी विरासत अच्छी थी, उसके जो माँ बाप थे उन्होंने उसको एक बढ़िया अवसर दिया आईएएस बनने का। तो दोस्तों, इस कारण मैल्कम ग्लैडवेल हैं वो समझाना चाहते हैं कि अवसर और विरासत भी सफलता में उतनी ही हिस्सेदारी निभाते हैं जितने की सफल होने वाले की योग्यता। तो ये थी सफलता के पीछे काम कर रही अनोखी कहानियाँ, अनोखे उदाहरण, जिसे राइटर मैल्कम ग्लैडवेल ने अपने अलग नज़रिए से देखने की पूरी कोशिश की है। अब आपको हमने इस किताब की बेस्ट समरी दिखाने की भरपूर कोशिश की है। आशा है कि आपको यह पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर देंगे। अब सफलता तो सफलता होती है, चाहे वह जैसे भी मिले, इसमें हमारी योग्यता का तो बड़ा हिस्सा होता ही है, साथ में होता है कई अन्य अनसुनी चीज़ों का भी योगदान, जो कि हमें आउटलायर बनाती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही बढ़िया क्वालिटी की समरीज और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, अगर आप किताब को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा इस किताब को पढ़ने की, और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इस किताब को खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।